नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। भाजपा अपने उम्मीदवारों के वोट आकर्षित करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी पर भाजपा ने तेलुगु फिल्म के कॉमेडियन और एक्स मिनिस्टर बाबू मोहन को बुलाया गया है ताकि जितने भी तेलुगु वोटर्स हैं उनको लुभा सके। बाबू मोहन ने भाजपा के समर्थन में वोट की मांग की। इसी पर बाबू मोहन जी वार्ड नंबर 14 में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस पर उन्होंने और क्या कहा। अभी इस वक्त जो है 14 नंबर वार्ड में हम लोग यहाँ पे बाबू मोहन जी जो है यहाँ पे आए हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। यहाँ के 14 नंबर के जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट पूछने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए उनका काफी सारे सपोर्टर्स भी यहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी के हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी इस वक्त जो 14 नंबर वार्ड में खड़े हैं यहाँ पे बाबू मोहन जी आए हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और उनसे मिलने के लिए भी यहाँ के सारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे, सभी यहाँ पे खड़े हैं, उनको स्वागत कर रहा है तेलुगु कम्युनिटी की ओर से। आप सभी को बताना चाहेंगे ये एक्टर भी है। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे काफी महिला लोग भी खड़े हुए हैं, सब उनका इंतजार में खड़े हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वो एक एक्टर भी है तो इसी वजह से यहाँ पे जितने भी तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं सब उनको मिलने के लिए जो है खड़े हुए हैं। और देखिए बच्चे लोग अंदर में बहुत जोश है। यहाँ पे नारा चेंज हो गया, बीजेपी जिंदाबाद हटा के बाबू मोहन जी जिंदाबाद ये नारा लग रहा है। यहाँ पे तिरुपति मंदिर है, यहाँ पे आया हुआ है 14 नंबर वार्ड में जो तिरुपति मंदिर है वहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे सामने है। अभी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट पूछ रहे हैं, घर घर जाके लोगों के बीच में जाकर, इनके कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए उनके बीच में जाके यहाँ के उम्मीदवार के लिए जो है वोट पूछ रहे हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे बाबू मोहन जी आए हुए हैं। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के उम्मीदवार है 14 नंबर के उनके लिए वोट पूछने के लिए आया हुआ है। देखते हैं वैसे में अभी चुनाव है और यहाँ के उम्मीदवार के लिए कितना वोट ले पाएंगे और कितने भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के उम्मीदवार के लिए वोट दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे उनके कम्युनिटी के लोग काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे तेलुगु कम्युनिटी के लोग काफ़ी सारे हैं, उनको देखने आए। क्योंकि ये एक एक्टर भी है, आपका तेलुगु एक्टर है तो इसी वजह से जो है उनको देखने भी काफ़ी लोग आए हैं। और साथ ही साथ भीड़ है, मैं आपको बताना चाहेंगे भीड़ तो काफ़ी सारे है मगर इसको कितने वोट में डाइवर्ट करेंगे वो डिपेंड करेंगे आने वाले चुनाव में। सर आप आए हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट के लिए, सर तो आपको ऐसा क्या लग रहा है, आपको यहाँ के कम्युनिटी जो है तेलुगु कम्युनिटी आपको वोट डालेंगे पार्टी को? जरूर डालेंगे। जैसे और क्या मैसेज देंगे? भी डाले ना कई बार। क्या मैसेज देंगे? पहले भी कई बार डाले जी, अभी भी डालेंगे। क्यों पूछ रहे हैं बोले तो इधर मोदी जी प्रधानमंत्री जी बहुत काम किए थे। इससे पहले अंडमान एक जंगल जैसा है, कुछ भी नहीं है इधर। वैसा अंडमान को एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत खरी कॉलेजेस इधर लाए, फिर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए। अंडमान आने के लिए रोड नहीं, रेल नहीं, बस नहीं, कुछ नहीं आए तो समुद्र में से आना, नहीं तो आसमान से आना। वो आसमान से भी मोदी जी आने के बाद एक एक सिंगल सिंगल फ्लाइट्स लगाया हैदराबाद से इधर, पहली बार वाइजाग से इधर। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा, 600 करोड़ से
दो तीन हाईवेज भी आ रहा है, उस सर्वे हो रहा, उसी लिए वोट डालना बीजेपी को सर। जैसे फिर भी आने वाला दिनों में भी कल भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेगा, उसी लिए वोट डालना सर। जैसे कि आप 14 नंबर वार्ड में सर, अभी इनके लिए आप वोट पूछ रहे हैं, ये तो तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे और आप बहुत करीब हैं उनके, आप एक्टर भी है, वैसे में क्या लग रहा है आप लुभा पाएंगे लोगों को? जरूर जीतेगा, क्योंकि एमए बीडी है, अच्छा बड़ा पढ़े सो है, फिर यंग बॉय है, बीजेपी खड़ा है। तेलुगु में कुछ बोलना चाहेंगे सर? जरूर जीतेंगे सबको, मैं पूरा इकड़ फिशरमैन कोसम రెండు మార్కెట్లు కట్టించారట, ఫిషర్మ్యాన్ జెట్టి కూడా చేశారు. ఇన్ని చేసిన తర్వాత పనిచేసేవాడికి ఓటేయాలి, అందుకని 24 వార్డులో నిలబడ్డ బీజేపీ అభ్యర్థులందరినీ గెలిపించాలని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను నేను. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఈ మన అండమాన్ ఒక పట్టణంలాగా కావాలంటే, ఒక చెన్నై లాగా, ఒక బెంగళూరు లాగా, ఒక హైదరాబాద్ లాగా, వైజాగ్ లాగా కావాలంటే బీజేపీ పార్టీ వల్లే అవుద్ది. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి ఉన్న పార్టీ మనది, మిగతా ఏ పార్టీ కూడా ప్రధానమంత్రి ఉండడు, రాజాలడు. కాబట్టి మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ అండమాన్ రోడ్లు, రైళ్ళు అన్నీ రావాలి, అన్ని కాలేజీలు రావాలి, ఇది ఒక పట్టణం కావాలని అంటే బీజేపీ పార్టీకి ఓటేస్తేనే జరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలందరూ కానీ, తమిళ ప్రజలందరూ కానీ, కన్నడ ప్రజలందరూ కానీ, నేను తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటించాను, 1034 సినిమాలు నటించాను, కనుక నేను తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. నేను ఆనందంగా నవ్వించిన, నేను హ్యాపీగా నన్ను చూసి నవ్వుకున్న ప్రజలకు నిజం చెప్పడానికి వచ్చాను, ఈ మంచి టైం పోగొట్టుకోవద్దని చెప్పడానికి వచ్చాను. ఇవే కాకుండా ఈ రోడ్లు, ఈ సర్వేలు వందల కోట్లు కాకుండా, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కాకుండా, ఇక్కడ బీపీఎల్ సర్వే అవసరం, ఆ సర్వే ద్వారా ఆధార్ కార్డులు వస్తాయి, ఇంకా ఈ రేషన్ కార్డులు వస్తాయి, ఇవన్నీగా కూడా బీపీఎల్ సర్వే జరిగితే ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుంది. ఈ అడ్రస్ లేని ప్రజలు, అండమాన్ ప్రజలు ఎక్కడి నుండో, శ్రీకాకుళం నుండి, పలాస నుండి, ఇటు మెడ్రాస్ నుంచి, ఇటు బెంగళూరు నుంచి బ్రతకటానికి వచ్చిన ప్రజలు, అడ్రస్ లేని ప్రజలు, వాళ్లకు ఇంటర్నేషనల్గా అడ్రస్ క్రియేట్ అవుద్ది రేపు బీపీఎల్ సర్వే జరిగితే. అది మోడీ గారు తలంచుకుంటూనే అవుద్ది. కనుక మొత్తం 24 మంది గెలిచి ఇక్కడ మళ్ళీ కార్పొరేషన్ బీజేపీకి అవేశం అయితే, అందరూ పోయి ఢిల్లీలో కూర్చుంటే ప్రధానమంత్రి గారు ఇక్కడ ఏమేమి అవసరం అన్నీ స్వయంగా చేస్తారు వారు. అందుకే కమలం పువ్వు గుర్తుకోవటం బీజేపీని గెలిపియాలి. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।